17 फरवरी को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी की निगरानी में वादी उमर कॉलोनी में वाक़े उमर फंक्शन हॉल में समाज सुधार कमेटी की जानिब से ड्रग्स के ताल्लुक से एक इजलास मुनक़द किया गया। इस इजलास में मेहमान खसूसी की हैसियत से DCP सुनीता रेड्डी, ACP उमा महेश्वर राव, बालापुर CI वेंकट रेड्डी, पहाड़ी शरीफ CI गुरवा रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत हल्के महेश्वरम MIM इंचार्ज अहमद बिन साले सादी ने की। इस इजलास का उनवान नौजवानों को ड्रग्स व नशा आवार चीज़ों से दूर रखने के लिए शऊर बेदार करना है। समाज सुधार कमेटी ने पहल किया है जिसमें मौलाना उमर आबिदीन ने खुसूसी खिताब किया और तमाम जलपली इलाके के मेडिकल स्टोर्स मालिकान से कहा कि बग़ैर डॉक्टर की इजाज़त के मुताबिक अदवियात ना दें। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, एक्स वाइस MPP उमर बॉम, एक्स डिप्टी सरपंच सैयद हामद और तमाम MIM और BRS काउंसलर्स भी मौजूद थे। कमेटी को कायम करने वाले हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब और हमारे महेश्वर इंचार्ज AIMI जनाब अहमद सादी साहब और कमेटी के जनाब मेम्बरान, इन सब का मैं हमारी काउंसिल, हमारे तमाम काउंसलर्स और बस्ती के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बस्ती के अंदर एक फिक्र रखी। इस फिक्र की बुनियाद पर इस कमेटी को कायम किया, हम सबको रुजू किया, आप सबको यहाँ पर फिक्र करने के लिए बुलाया और सलाह मशवरा किया। यहाँ पर ऐसी फिक्र इस बस्ती के अंदर ना कभी की थी, अब तक होना चाहिए था पहले से ही, लेकिन हम फिर एक बार खालिद सैफुल्ला साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखते हुए इस बस्ती के फिक्र की इतनी बड़ी कमेटी और इतना बड़ा काम अंजाम देने के लिए एक कदम उठाया। लेकिन इस कदम को और इस काम को कामयाब बनाने के लिए हमको और हम सबको इनका साथ देना ज़रूरी है। बिना बस्ती के रहने वाले जिम्मेदार हजरात पॉलिटिशियन हों दो, पार्टी वाइज लीडर्स हों दो या कोई और मसलक के लोग हों दो, इस कमेटी के अंदर सबसे पहली बात तो कोई मसलक को कायम नहीं किया गया, कोई पार्टी को कायम नहीं किया गया। ये कोई BRS MIM TRS BJP कांग्रेस इसमें से किसी का कोई रोल नहीं है। इसी के साथ साथ मसलक का भी कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अहले हदीस, सुन्नतुल जमात, तबलीगी जमात, ऐसे किसी मसलक का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये चीज़ खास करके हम सबको जब इस्लाह माशरा का जब नाम आता है हम सबको इकट्ठा होना अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखे हैं यहाँ पर, जो कमेटी कायम हुई है, इसके लिए मैं मुफ्ती उमा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सारी टीम को और हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहब, तमाम काउंसलर्स, हमारे मेडिकल्स के तमाम मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको सलाम। क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया गया है, क्योंकि ये हमेशा हम लोग एक पार्टी बेस पे कोई प्रोग्राम होता है, आज पहली मरतबा एक ड्रग्स के ऊपर या गांजा या नशे के ऊपर ये प्रोग्राम रखकर, मीटिंग रखकर ये प्रोग्राम रखे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम लोग भी यहाँ पर एक आवाज़ पर सब लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से अभी जैसा अय्या भाई बताए, उमर भाई बताए, हमारे CI साहब बताए, किस तरीके से हमारे को नशे को और गांजे को ये किस तरीके से रोकना है, ये हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को रोकने का काम करेंगे। हम आज मेडिकल शॉप और बुलाने का मकसद यही है कि हमारे को आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मेडिकल शॉप से जो दवाइयाँ जो बिक रही है तकरीबन नशा से हो रहा है, वो दवाइयों से हो रहा है। तो आप लोगों को जो मेडिकल ऑफिसर भी बोले यहाँ पर और हमारे CI साहब भी बोले, आप लोग बगैर डॉक्टर की रिसिप्ट, अगर डॉक्टर की अगर स्लिप नहीं रही अगर, तो आप लोग कोई मेडिसिन नहीं देना, क्योंकि तकरीबन मेडिकल शॉप वालों शॉप पे जो दवाइयाँ दी जा रही है वो दवाइयों से नशा की जा रहा है, हो रहा। तो नशा जो अभी CI साहब बोले, कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पूरे गांव में इंजेक्शंस
सिरेंजेस और टैबलेट्स जो पूरे नशीली चीज़ें हैं ये कहाँ पर मिलते हैं भाई? मेडिकल शॉप में मिलते हैं, ये मेडिकल शॉप से हटके कहीं पर नहीं मिलते। तो बोलने का मकसद यही कि अब ये शाहीन नगर जलपल्ली सराउंडिंग एरिया में जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं, अगर आप लोगों को बुलाकर बोलने की वजह यही है, पहले आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे को हमारे तक इतला नहीं थी नहीं बोलना। जब अगर हमको ये बोलीग्राम के बाद भी कोई अगर ये अगर इलीगल कोई बेच रहा है तो बराबर उसके ऊपर एक्शन लेंगे मेडिकल ऑफिसर्स की और पुलिस के साथ और इस्लाम आशरा की पूरी कमेटी के साथ आप लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे और आपका मेडिकल जहाँ तक हो सकता बंद भी करेंगे। जो क्राइम हो रहे हैं वो ज़्यादातर बढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारा टॉप प्रायोरिटी है। तो पहले मैं सबको जो भी स्टेज पर मौजूद है ये जो कमेटी वाले जो उमर साहब इस्लाही मुशेरा कमेटी जिसका टैग समाज सुधार कमेटी दैट्स अ वेरी गुड टैग लाइन। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर ऑब्जेक्टिव्स उमर जी। सो एंड थैंक यू दैट यू आर एक्चुअली यू नो प्रोसीडिंग विद अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव एंड विद ऑल social vices that you are taking up because that is very much required to this community and you are concentrating on all the aspects of the livelihood which can upbring their lives. It is very much important for the next coming generation and you have given lot of top priority to the ganja cases. So we are with you and we'll be cooperating with you and regarding this rehabilitation also we will try to escalate this issue. जो हमारे एक स्टेट लेवल पे TS NAC तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो जो गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है और एक एडिशनल डीजी ऑफिसर रैंक के अंदर 300 पुलिस ऑफिसर्स आर आल्सो वर्किंग फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाह मुआशरा कमेटी बराए शाहीन नगर व जलपल्ली का आज एक बहुत ही अहम प्रोग्राम उमर फंक्शन हॉल में मस्जिद खालिद बिन वलीद के पीछे मुनक़द हुआ। आज के इस प्रोग्राम का मोटिव ये था कि इस लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं ड्रग्स एडिक्शन की और जो टीनएजर्स हैं यूथ हैं कम उम्र बच्चे हैं उनके अंदर ड्रग्स का तनासुब बढ़ता जा रहा है। ये पूरे समाज के लिए बहुत ही फिक्र का मसला है और इसकी इसलाह करना अभी ज़रूरी है। अगर हमने अभी गफलत से काम लिया तो पूरी एक जनरेशन हमारे हाथ से ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इस पूरे रीजन के जो सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, एक ड्राइव चलाएंगे और उसके ये इसलिए ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। हमें खुशी है कि इस पूरी इस लोकेलिटी के 50 फार्मेसी के जो जिम्मेदार हैं वो लोग आए और यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स आए, DCP और ACP तशरीफ लाए और बालापुर और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के पुलिस जिम्मेदारान आए और इन सब ने मिलकर ये बात कही कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे और एक दूसरे से तआवुन करेंगे। और यहाँ जो मेडिकल के ज़िम्मेदारान थे उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे जिसके ज़रिए से ड्रग्स एडिक्शन को बढ़ावा मिले या ऐसी दवाएं फरोख्त की जाए जिससे नौजवानों के अंदर ये गलत लत पैदा हो। तो अब ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि अगर आप अगर कहीं ऐसे अफराद को देखें या ऐसे लोगों को देखें जो इस तरह की गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस हैं तो इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़िम्मेदारान को आगाह करें और हम लोग उनकी काउंसलिंग करके उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। आप सब के तआवुन से ये प्रोग्राम कामयाब हो सकता है, इसलिए आगे बढ़िए और अपने समाज की खुद हिफाजत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में तमाम हमारे काउंसलर्स और हमारे वाइस चेयरमैन और तमाम हमारे समाजी जो लोग हैं पूरे और अब जो मेडिकल के पूरे ओनर से उन सबको यहाँ पर उमर फंक्शन हॉल में बुलाया गया है। जो आज हमने जो बेड़ा जो हमने उठाया है कि एंटी ड्रग्स जो हमारी नस्ल नौजवान नस्ल जो हमारी ख़राब हो रही है, ये गांजा और ये ड्रग्स और जो भी टर्मेटॉल गोली ले रही है, जो भी गोलियाँ लेके जो नशा कर रहे हैं एक दो रुपये में, जिससे उनकी नस्ल ख़राब हो जा रही है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही है, उनके माँ बाप के उनको एजुकेशन नहीं दे सक रहे, उनके घर में उन्हें खुद नहीं जा सक रहे, अगर कोई शादीशुदा है तो उनकी औलाद ख़राब हो जा रही है। तो उसको देखते हुए हमारे पूरे काउंसलर्स और हमारे जितने बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, जैसा हमारे यूसुफ पटेल है या इकबाल खलीफा साहब, उमर बान साहब और हमारे शब्जुद्दीन साहब और तमाम हमारे MM के काउंसलर्स ने ये अज़म उठाया है कि इंशाल्लाह इस ड्रग्स को शाहीन नगर और जलपल्ली से ख़त्म करके हम इंशाल्लाह दूंगे इंशाल्लाह। और समाजी इस्लाह समाजी का जो हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक कमेटी बनाई है,
जलपली और शाहीनगर के ताल्लुक से, जिसमें तमाम काउंसलिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे और ड्रग्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। जो बच्चे इसमें से निकलना चाह रहे ड्रग्स में से, उसके लिए सेंटर भी बनाएंगे, मना कर बच्चों को उससे अच्छे तरीके से लोगों को क्लीन करेंगे, करके लोगों को समाज में छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे आज हमारे मेहमान खसूसी DCP मैडम और ACP और तमाम पहाड़ी शहरी और बालापुर के इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, मैं सबका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खसूसी आवाम उन्नास का और हमारे लीडरों का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।